हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल वेरी वेरी वेल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टेज 9 to 9 लव ट्रायंगल 3-in-1 लिपस्टिक, जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है और बहुत ही ज्यादा इसका अच्छा रिव्यू है। सो मैंने भी इसे मंगा लिया और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके बहुत सारे शेड्स हैं, मतलब बहुत सारे शेड्स है इसके, बहुत अच्छे अच्छे शेड्स है, बहुत ही अच्छा इसका रिव्यू भी है। सो मैंने भी इसे परचेज कर लिया है स्टेज के साइट से, स्टेज की वेबसाइट से मैंने इसे परचेज कर लिया है। सो कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं। ओ सॉरी, ये देख सकते हैं, ये ट्रायंगल शेप में भी बना हुआ है। और ये जो मेरे पास शेड है वो है 02 स्कारलेट विस्पर। ये 3-in-1 लिपस्टिक है। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं, तो ये 100% वीगन है, क्रुएल्टी फ्री है एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। और ये है आपका मैट प्लस ट्रांसफर प्रूफ, जो कि आपके लिप पे 12 आवर तक बनी रहेंगी। इसकी जो क्वांटिटी है वो 3.8 ग्राम की है एंड ये आपको पड़ेगा 449 रुपीस का है ये। इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो आपका 36 मंथ है, मतलब 3 साल एक लिपस्टिक के लिए बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब इतने में तो हमारे लिपस्टिक इसके पहले ही खत्म हो जाएगी, तो 3 साल की इसकी एक्सपायरी डेट है, तो काफी ठीक है। इसके बहुत सारे शेड्स है, मैंने 02 मंगाया है क्योंकि मैं सारा नहीं परचेस कर सकती थी। मैंने मतलब मुझे सिर्फ दिखाना था कि ये वाकई अच्छी लिपस्टिक है या नहीं, कितनी आवर तक हमारे लिप्स पे बनी रहती है। ये अल्ट्रा पिगमेंटेड है एंड डे टू नाइट लुक, आप इसे डे में भी यूज कर सकते हैं, नाइट में भी यूज कर सकती है। एंड इसके अंदर है एवोकाडो ऑयल है, जो हमारे लिप को हाइड्रेट करती है, नरिश करती है एंड हमारे लिप्स को सॉफ्ट बनाती है, मतलब बिल्कुल भी पैची नहीं करती, बिल्कुल सफल बनाती है। अब ये इसको हम इसकी पैकेजिंग को ओपन करते हैं। इसकी पैकेजिंग ही मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। सो ये कुछ इस तरीके से इसकी देख सकते हैं, कितना प्यारा इसका पैकेजिंग है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा है यार, ट्रैवल फ्रेंडली है बिल्कुल भी। इसका मतलब कवर भी बहुत अच्छे से लगा हुआ है, ताकि आप कहीं ट्रैवल में लेकर भी जाएंगे तो ये बिल्कुल भी आपका निकलेगा नहीं इसका कवर। एंड इसका नाम ही है लव ट्रायंगल, ट्रायंगल शेप में इसकी अंदर की भी पैकेजिंग है। यहाँ पे इसके शेड्स नंबर एंड शेड्स नेम लिखे हुए हैं। अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखाती हूँ। सो वाओ गाइस, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये 2 शेड्स में है लिपस्टिक, ये थोड़ा सा पिंकी शेड है एंड ये पूरा रेड है, मतलब आपका न्यूड एंड बोल्ड दोनों कलर है इसमें। आप अगर डे में लगाना चाहते हैं तो आप सिर्फ ये न्यूड कलर वाला भी लगा सकती हैं, अगर नाइट में आपको पार्टी वगैरह अटेंड करनी है तो आप ये रेड कलर वाला लगा सकती हैं, या फिर आप इसको दोनों को अच्छे से ब्लेंड करके एक नया सा शेड बना सकते हैं, इसलिए इसका नाम है 3-in-1। सो मैं आपको इससे आपको लिप पर भी लगा के दिखाऊंगी एंड हैंड स्वैचेस भी दूंगी आपको। पहले मैं ये लाइट शेड वाला लगा रही हूं। वाओ, बहुत ही ज्यादा प्यारा शेड है गाइस, देख सकते हैं आप। एंड मैं इसका सेकेंड जो मैरूनी शेड है उसे लगा के दिखाती हूँ। बिल्कुल बटरी बटर जैसा ये ग्लाइड हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, आपको आई होप दिख रहा हो। मैं आपको इसे लिप पे लगा कर दिखाती हूँ, अपने लिप के लोअर लिप पे मैं ये न्यू शेड वाला लगा कर दिखा रही हूँ। लगाने में भी डर लगता है कहीं टूट ना जाए। देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा प्यारा कलर है, अगर आप डे में लगाना चाहती हैं तो वो यूज कर सकती हैं। एंड अपर लिप पे मैं ये बोल्ड कलर वाला रेड वाला लगा रही हूँ।
देख सकते हैं दोनों का कलर, दोनों डिफरेंट शेड है एंड बहुत ही ज्यादा लाइट है, बिल्कुल ग्लाइड अच्छे से हो रहा है, एकदम बटर जैसा है एंड थोड़ा सा भी मतलब मुझे लिप पे नहीं लग रहा है कि मैंने इसे लगाया हुआ है। अब मैं दोनों को ब्लेंड करती हूँ, ब्लेंड करके फिर देखते हैं कि कौन सा कलर, कौन सा एक नया शेड तैयार हो रहा है। वाओ, देख सकते हैं गाइस कितना प्यारा एक शेड तैयार हो गया है। मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा एंड बहुत मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, मैट है, ट्रांसफर प्रूफ है। अभी इसे मैं थोड़ा देर तक मतलब 1 मिनट तक लिप पे छोड़ के फिर मैं चेक करती हूँ कि ये ट्रांसफर प्रूफ है या नहीं है। 1 मिनट हो गया है, अब मैं इसे चेक करती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर मतलब ये क्रीमी मैट है तो ट्रांसफर होगी ही, जो हमारा जो लिक्विड मैट होता है वो बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन जो क्रीमी मैट होता है वो ट्रांसफर होता है। बट आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो क्रीमी मैट लिपस्टिक होती है ना वो हम अगर कुछ खाते पीते भी है तो वो लगी रहती, वो छूटती नहीं है, लेकिन जो मैट लिक्विड मैट लिपस्टिक होती है वो लगाने के बाद अगर हम कुछ खाते पीते हैं तो वो हमारे जो बीच से वो निकल जाती है, इसलिए क्रीमी मैट भी काफी अच्छा होता है। इसके पहले मैंने मामाअर्थ पे रिव्यू दिया था, वो भी काफी अच्छी लिपस्टिक थी। सो मैं ऐसे पानी पीकर भी आपको दिखा देती हूँ कि ग्लास पे ये आता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ग्लास पे भी ये ट्रांसफर हो जा रहा है। सो ट्रांसफर प्रूफ तो है लेकिन लिप पे लगाने के बाद बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है एंड आपका ये अगर 12 आवर ना सही तो 8 आवर तो आराम से निकल सकता है। आप मतलब एक शादी एक पार्टी बहुत ही आराम से आप पे अपना कवर कर सकती है। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय।